जनपद संभल की चंदौसी पहुंची समाजवादी पार्टी की खिलाड़ी जोड़ो यात्रा। समाजवादी पार्टी के स्पोर्ट्स विंग के प्रदेश प्रभारी हसनुद्दीन सिद्दीकी खिलाड़ी जोड़ो यात्रा लेकर आज जनपद संभल की चंदौसी में स्थित मॉडल पब्लिक लॉ कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ता की एक संगोष्ठी को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने जनपद के खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम को प्राथमिकता पर बनाया जाएगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही आजादी पर कंगना रनौत के बयान पर उन पर भी हमला बोला। नहीं, सहयोग और जो यहाँ का उत्साह है वो बहुत अच्छा है, जितनी मैं प्रशंसा करूँ वो कम है। लेकिन खिलाड़ी जोड़ो यात्रा के तहत मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी खुद भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स विंग का गठन किया, जो इस देश में पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसने सबसे पहले स्पोर्ट्स विंग का गठन किया और उस विंग में एक खिलाड़ी को उसका प्रभारी बनाया। मैं हसनुद्दीन सिद्दीकी, प्रदेश प्रभारी स्पोर्ट्स विंग समाजवादी पार्टी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का। जी, पत्रकार बंधुओं को तो पहले भी समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और मैंने अपनी बात में ये भी कहा है कि सर्व समाज के हितों को नहीं, क्या अखिलेश जी ने नहीं सम्मान किया? नहीं, बिल्कुल लाया जाएगा। और इसके साथ साथ हम तो ये चाहेंगे कि हर क्षेत्र में, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी खेल जगत का भी चिंताजनक है वो जो स्थिति आज की, उसके लिए फिक्रमंद है और खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो। तो जब खिलाड़ियों का भविष्य हो, सर्व समाज के हितों को ध्यान में जो पार्टी सरकार काम करेगी, तो क्या पत्रकार बंधु जो इस देश का हमारा चौथा स्तंभ है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, वे कैसे अछूते रह सकते हैं? इतना जी देखिए साहब, जो कोर्ट का निर्णय है हम उससे बाहर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज़म खान साहब की बात आप करेंगे तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस कद का व्यक्ति और उस पर इल्ज़ाम मुर्गी चोरी और बकरी चोरी का, क्या ये शोभा देता? क्या ये सिद्ध हुआ कहीं? क्या ये सिद्ध हुआ कहीं? राजनीतिक षड्यंत्र तो पूरे मुल्क और पूरे देश के साथ किया जा रहा है, खिलाड़ियों के साथ भी किया जा रहा है, किसानों को भी यहाँ तक कह दिया गया कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और आज देश की आवाम ये कह रही है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, ये फैक्ट है साहब। आप ये मानते हैं सारे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक साजिश है? मानना नहीं, ये हम जानते हैं और मैं समझता हूं कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप चौथा स्तंभ हैं इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, और जो जो आज जानते हैं हर आदमी आवाज़ भी उठा रहा है, कह भी रहा है, कहने से पीछे भी नहीं है। और जो इन्होंने किया है इनके आगे आने वाला है, झूठ बोलने की एक पराकाष्ठा और सीमा होती है, उसके ये स्पेशलिस्ट हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ इन लोगों के बारे में जिन्होंने झूठे जुमलेबाजी की, जो जो कहा वो आज संभल जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर खिलाड़ी जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो कर रहे हैं हमारे यहाँ प्रदेश में, हसन सिद्दीकी साहब हैं, हसनुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो हमारे संभल जनपद में आए थे आज और खिलाड़ियों को जोड़ने का कार्यक्रम आज रखा था उन्होंने। काफ़ी खिलाड़ी मॉडल पब्लिक स्कूल में आए, मिले, उनको ये इस बात से प्रेरित भी किया कि खिलाड़ियों के लिए किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया है, किसने सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। आज हसन सिद्दीकी साहब ने यह प्रयास किया संभल जनपद के कार्यक्रम में कि खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रोत्साहन दिया है तो अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। समाजवादी पार्टी क्योंकि जाति और धर्म की बात नहीं किया करती, उस तरह खिलाड़ी की भी कोई जाति और धर्म नहीं हुआ करता। इसी को लेकर के अखिलेश यादव जी क्योंकि स्वयं भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्रिकेट भी हर खेल उन्होंने खेला है, खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी इस तरह के रहें और खिलाड़ी को प्रोत्साहन देंगे। हमने मांग की कि चंदौसी जन में एक बढ़िया स्टेडियम सरकार आने पर हमने उनसे मांग की, उन्होंने वायदा किया है कि संभल जनपद में एक अच्छा स्टेडियम, अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय स्टेडियम हमको देंगे, यही आ जाए थे।